मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इस 29 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 13 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय वर्ग 2023-24 का बजट प्रस्तुत होगा और शासकीय एवं अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। प्रदेश के गृह और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 27 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में राजस्व, नगरी विकास एवं आवास सहित अन्य विभागों द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस सत्र में विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 फरवरी और अशासकीय संकल्पों की सूचना 16 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी। वहीं स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचना 21 फरवरी से विधानसभा सचिवालय में प्राप्त की जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक महामहिम राज्यपाल के द्वारा आहूत किया गया। इसमें बजट के साथ साथ विधेयकों पर सारगर भी चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दे पर सारगर भी चर्चा होगी। यह सत्र बजट के साथ साथ जनहित के मुद्दों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बजट है। अब इसमें प्रश्न लगना प्रारंभ हो जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।